ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब इनकम होता है। अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज, बिजनेस में जो भी हम लोग लेन देन करते हैं वो काय के लिए करते हैं, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, यानी इनकम जनरेट करने के लिए। तो इसका आंसर होगा इनकम। एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो इसके बारे में आप लोग को ज़्यादा नहीं पता होगा, बट बता दूं, ऑपरेटिंग मतलब क्या है, जो बिजनेस का मेन इनकम होता है ना या मेन एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। कैसे, ध्यान से समझो। अभी कैसा होता है, लेट क्लासेस का बिजनेस समझो, हॉस्पिटल का बिजनेस है, तो हॉस्पिटल में जो मेन एक्सपेंस होएगा वो क्या होएगा, जैसे इंजेक्शन वगैरह खरीद रहे हैं, मेडिसिन खरीद रहे हैं हॉस्पिटल वाले, तो उनका ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो वो उनका मेन एक्सपेंस है, उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन स्टाफ है ऑफिस में जो, मतलब हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, उन लोग कभी देखो चाय पीते रहेंगे, कभी कुछ बिस्किट वगैरह खाते रहेंगे, मतलब नाश्ता वगैरह करते रहेंगे, है ना, तो वो बिज़नेस का मेन एक्सपेंस है क्या, नहीं, तो उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला, एक्सेस, एक्सेस मतलब ज़्यादा, क्या ज़्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है, किससे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से, तो यानी एक्सपेंस समझो, तो एक्सपेंस से अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हमें क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगला है एन एक्सपेंडिचर विच इज़ बेसिकली रिवेन्यू इन नेचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि क्या है, रिवेन्यू इन नेचर है, बट बेनिफिट ऑफ विच इज़ नॉट एग्जॉस्टेड विद इन वन ईयर इज कॉल्ड एज, तो इसको बोलते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो मेन तो दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, ध्यान से इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे चल के काम आएगा। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंस। एक्सपेंस से क्या समझते हो, कि हमारे पैसे जा रहे हैं। लेट अगर आपका बिजनेस है, जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल का बिजनेस है, तो आप इंजेक्शन वगैरह खरीद रहे हो, है ना, स्टाफ है उसको सैलरी वगैरह दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, तो वो सब क्या आएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इसका नेचर जो होता है ना वो रिकरिंग होता है, रिकरिंग मतलब बार बार होता है ये एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब समझो, हॉस्पिटल में आपने इक्विपमेंट खरीदा, मशीन खरीदा, ठीक है, फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा हॉस्पिटल के अंदर, तो ये जो एक्सपेंसेस है ना ये लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। तो इसका जो नेचर होता है वो नॉन रिकरिंग होता है, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर आप बार बार करोगे क्या, नहीं, है ना, इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिकरिंग इन नेचर होता है। तो ये हो गया, तो ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ना इसका बेनिफिट अपने को एक साल से कम मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अपने को एक साल से ज़्यादा मिलता है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट अपने को मिलना तो चाहिए एक साल से कम, है ना, लेकिन मिलता है एक साल से ज़्यादा, यहाँ पे लिखा है ना नॉट एग्जॉस्टेड विद इन वन ईयर, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, द अमाउंट डिडक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल इज, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसको हमने कई बार पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जिस लिस्ट प्राइस में से या कैटलॉग प्राइस में से जो हम लोग डिस्काउंट माइनस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। अगला है अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज, ओज मतलब पे करना, तो पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बिजनेस ऐसे बंदे को जिसको पे करना बाकी है पैसा, ठीक है, गुड्स का या फिर सर्विस का, तो वो बंदा बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, मतलब जिससे हमें पैसा देना बाकी है वो बंदा हमारा क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पे हम लोग ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो
आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आगे के भी चैप्टर्स हम लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे।